सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गन प्ले वीडियो। तो कैसे हो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो फिलहाल हम लोग अभी अपना बाइक उठाते हैं और निकलते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने एक अमीरों का शहर बताया था, वहाँ पे अलग अलग बिजनेसमैन रहते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन रहते हैं और वहाँ पे जाके बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती है। तो हमको अभी क्या करना है, हमको गैंगस्टर बनना है, इस सिटी का बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना है। उसके लिए पैसे चाहिए, गन चाहिए, लेकिन अपने पास ना पैसा है ना गन है। गन तो है लेकिन एक दूसरा गन है, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमको एक बड़ी वाली गन चाहिए, एयर राइफल चाहिए, ठीक है। हमको एयर वाली गन चाहिए जो ऑटोमेटिक चलती हो, जिसमें फायरिंग करने में भी मज़ा है और बंदों को भी मारने में मज़ा है, क्योंकि हमारा लफड़ा पुलिस से होता रहता है। हम कोई भी गाड़ी चुराते हैं तो हमारा जो पुलिस है, हमने तो पुलिस हमारा पीछा कर लेती है। तो हमारे पास गन नहीं होती तो हम उसको फाइट नहीं कर पाते और कहीं जाके छुपना पड़ता है। इससे अच्छा हम लोग उसे फाइट करें और निकल जाए। तो फिलहाल हम लोग आ गए वही वाली सिटी में जो मैंने आपको बताया था, अमीरों वाली। और यहाँ पे गाइस देखिए कितनी मस्त गाड़ी लग रही है गाइस। यहाँ पे सब तरह यहाँ पे जो गाड़ियाँ होती है बहुत बहुत मस्त होती है, एकदम मज़ा आता है यहाँ पे आके गाड़ियाँ चुराने में मज़ा आता है। हमारे पास घर नहीं है ना ही कुछ गैरेज वैरेज है ना कुछ, हम लोग क्या करते हैं यहाँ से गाड़ियाँ चुरा के हमें अपने पास रखते हैं और उनका कलर वलर करके सब मस्त अच्छे से मॉडिफाई करते हैं। लेकिन हमारे पास घर भी नहीं है तो रखे कहाँ, ऐसे ही कहीं रख देंगे तो कोई चुरा ले जाएगा। इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चुराएंगे और पैसा कमाएंगे। इस तरीके से हमको पैसा कमाना पड़ेगा। तो फिलहाल से हम लोग इसको बाइक को यहाँ रखते हैं और निकलते हैं। ये वाली गाड़ी जो है हम लोग लेके निकल लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसके अंदर बैठ जाए, पहले इसका गाड़ी का लुक देख लीजिएगा, फिर आपको लुक दिखा रहा हूँ। एकदम मस्त लग रही है गाड़ी गाइस, कितनी मस्त लग रही है। अभी क्या करते हैं हम लोग, ये वाली नहीं रहनी लेकिन कुछ और गाड़ी ढूंढते हैं, शायद कोई इससे भी अच्छी गाड़ी मिल जाए। तो हम लोग यहाँ पे रोड पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे तो नॉर्मल गाड़ी चल रही है, यहाँ पे कोई गाड़ी मिल नहीं। ओ गाइस, पुलिस से बच के रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस जो होती है बहुत खतरनाक होती है। अगर गाड़ी चुराते हुए देख लिया तो पुलिस हमारे पीछे पड़ जाती है, इसे करके बहुत सारे पुलिस आ जाती है। पहले एक स्टार लगती है, फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे पुलिस आ जाती है। चलो फटाफट से हम लोग इसको लेके निकलते हैं। कश जी आगे एक बिजनेसमैन जा रहा है, अभी उसका पीछा करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि हमको पैसा कमाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग इसका पीछा करते हैं और इसके पास देखिए कौन सी गाड़ी, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, लेकिन इसके पास देखो ये लंबी वाली गाड़ी है और इसको हम लोग पीछा करने वाले हैं। पीछा करके इसका जो पैसा है, इसका जो पास बैग है, वो बैग हम लोग लूटने वाले हैं। तो फटाफट से क्या करते हैं हम लोग इसको पीछा करते हैं और कुछ पैसा अर्न कर लेते हैं। तो फिलहाल ये लोग पीछा करने वाला नहीं है, इसको हम लोग मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ भाग रहा है। शायद इसको मालूम चल गया है कि हम लोग इसका पीछा कर रहे हैं। तो फटाफट से इसको अंदर उतर से हम लोग और इसको निकाल दें। चले बेटा बाहर आ जा। तो गाइस ये निकल रहा है यहाँ से, इसको लगता है समझ में आ गया, इसको मालूम चल गया है। कोई नहीं गाइस, हम लोग पीछे गाड़ी से निकाल दें। ओह गाइस, पुलिस से बच के रहना पड़ेगा। जैसे टच हो गई इसकी गाड़ी तो लुपचा हो जाएगा। गाइस टच हो ही गई, देखा ना, मैं सोच ही रहा था गाड़ी टच ना हो, लेकिन टच हो ही गई। अभी पुलिस का पीछे छोड़ना पड़ेगा हम लोग। गाइस देखिए कितनी मस्त गाड़ी जा रही है। अब मैं स्कूटी वाला हट, स्कूटी था क्या था नहीं क्या था, लेकिन अभी हम लोग को आगे निकलना पड़ेगा, पुलिस से बच कर रहना पड़ेगा। देखिए पुलिस आ ही जाती है तुरंत ही, इसलिए पुलिस से बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो चलान कट जाएगा या फिर हम लोग जेल में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं, ना ही हमारे पास गन नहीं तो हम लोग इससे फाइट भी कर लेते। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस वो वाली गाड़ी तो पुलिस से चुरा ली थी हम लोग, पुलिस ने हमको पकड़ लिया था, ठीक है। हमको फाइन भरना पड़ा और निकलना पड़ा। अभी हमारे पास ये वाली गाड़ी है मर्सिडीज से, सारी पता नहीं कौन सी गाड़ी है, लेकिन कितनी मस्त गाड़ी जा रही है यहाँ भी देखो। तो यहाँ से फिर से हम लोग को एक गाड़ी चुरानी पड़ेगी। ओ हो, ये वाली गाड़ी मस्त जा रही है गाइस, क्या करें। अब इसका पीछा कर रहे हैं हम लोग, ये वाली गाड़ी हमको चुरानी है। चल बेटा रुक जा। अरे गाइस निकल गया, कोई नहीं, हमको पीछा करेंगे, ये वाली गाड़ी हम लोग लेके ही रहेंगे। तो फटाफट से इसका पीछा करते हैं और ये वाली गाड़ी को चुरा लेते हैं। फायरिंग नहीं करना है, फायरिंग करेंगे तो हम लोग क्या है, पुलिस को पता चल जाएगा और पुलिस हमारे पीछे आ जाएगी, फिर से हमको पकड़ के ले जाएगी। इससे ऐसा हम लोग इससे गाड़ी से उतरते प्यार से और प्यार से गाड़ी मांगते। चल बेटा गाड़ी दे दे हमको, ये वाली गाड़ी हमको चाहिए। चल देता ओ सॉरी लेडीज़ थी, मैडम दे दो गाड़ी, नहीं लेडीज़ नहीं जेंट्स ही है, लेडीज़ लगा मेरे को। कोई चलो यहाँ से हम निकलते हैं। अभी इस गाड़ी को हम लोग ले जाते हैं और सेल करते हैं, अपनी सिटी में जाते हैं और इस गाड़ी को सेल करते हैं। सेल करने के बाद हम लोग अच्छे खासे पैसे अर्न कर लेंगे। पैसे अर्न करने के बाद हम लोग को इस सिटी का बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना है, हमारे पास अच्छी गन होनी चाहिए। उसके बाद जो किरण का बहुत सारे काम भी बाकी पड़े हैं, लेकिन हमारे पास गन नहीं है तो क्या काम करें। तो फटाफट से हम लोग इस गाड़ी को ले जाते हैं अपनी सिटी में और गाड़ी को बेच डालते हैं और अच्छे खासे पैसे अर्न कर लेंगे। तो करण का भी कॉल आया था, कुछ बता रही थी कसिनो के बारे में, कसिनो के अंदर जाना है। गाइस देख रहे हो नाइट हो गई, अचानक से नाइट हो जाती है इसके अंदर। सो गाइस अभी देखिए यहाँ पे कितनी मस्त गाड़ी लग रही है, यहाँ पे मैं अभी रोकता हूँ। भाई चांद देख रहे हो, चांद कितना मस्त लग रहा है। उनको छोड़ो गाइस, अभी गाड़ी देखो, गाड़ी का लुक देखो,
गाड़ी बेचने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, गाड़ी को बेचना पड़ता है। हमारे पास ना हाउस है ना घर है, कुछ भी नहीं है, तो गाड़ी को बेचना पड़ता है। तो फटाफट चलिए निकलते अभी हमें हम लोग यहाँ से, और यहाँ पे सुबह हो चुकी है, सुबह होने के बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो सर फिर से एक बार गाड़ी को आपको दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग मस्त हो रही है। तो गाइस देखिए यहाँ पे लाइटिंग हो रही है, तो गाइस देख लो गाड़ी की लुक देखो कितनी मस्त लग रही गाड़ी है ना गाइस। इस गाड़ी का नाम तो पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन इसका अच्छा खासा प्राइस जो है आने वाला है, ठीक है। तो फटाफट हम लोग यहाँ से अंदर बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ओके गाइस अंदर बैठ लिए हम लोग ने, चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, पुलिस आ गई तो लफड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। तो फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं और किसी को भी छेड़ना नहीं है, ओए तू क्यों डर रहा है, कुछ नहीं होगा, चलो यहाँ से निकलते हैं अभी फटाफट से हम लोग। ओके गाइस तो यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं, और यहाँ पे देखो गाड़ी की स्पीड वीड सब कुछ बहुत बढ़िया है। वहाँ की तो वहाँ के लोग होते हैं उसके पास गाड़ियाँ मस्त होती हैं, इसलिए मैं वहाँ पे जाता हूँ और गाड़ी अच्छे से लेके आ जाता हूँ, और उस गाड़ी को बेच के थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है। जैसे जैसे पैसे इकट्ठा हो गए हम लोग उसको बेचने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट मुड़ेंगे और यहाँ से गाड़ी को बेच डालेंगे। तो फटाफट से हम लोग आ जाते हैं गैरेज के अंदर, और गैरेज के अंदर इस गाड़ी को छोड़ते हैं और देखते कितने पैसे मिलते हैं। ओके $1,00,000 मिल रहे हैं हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको बेच रहे हैं। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय, हम लोग कैसीनो के अंदर जाएंगे। आने वाली न्यू वीडियो में हम लोग कैसीनो के अंदर जाएंगे, वहाँ पे पता नहीं क्या है, करण ने हमको बुलाया है तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय, आने वाली वीडियो को मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।